सो हे व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे आप सभी। आज हम फिर कुछ दिनों बाद एक और नई वीडियो बना रहे हैं। रियलमी C20 में आज हम करेंगे पबजी टेस्ट। देखेंगे इसमें आपको क्या ग्राफिक्स सेटिंग्स देखने में मिलती है, बिकॉज इसमें भी वही आपको रियलमी C15 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मीडियाटेक G35 का, जो कि भाई बहुत स्लो प्रोसेसर है और छोटी मोटी गेमिंग करा देता है। देखते हैं इसका फर्स्ट पबजी टेस्ट। यहाँ पर हमने पबजी बूट कर लिया है, यहाँ पे हमारे जब तक पबजी स्टार्ट होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे हमारा पबजी बूट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, बिकॉज इसमें है मीडियाटेक G95। तो यहाँ पे भाई टाइम बूट होने में बहुत टाइम ले रहा है यार। तो यहाँ पे ये बूट होता है, उसमें आपको जो ग्राफिक सेटिंग्स देखने को मिलेगी वो बहुत नॉर्मल सेटिंग्स है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा गेम प्ले एकदम नॉर्मल होगा। यहाँ पे मैं आपको एक वॉर मैच खेल के दिखाऊंगा, तो लेट्स गो। सो मैं आपको यहाँ पे इसकी ग्राफिक सेटिंग्स खोल के दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे स्मूथ मीडियम और बैलेंस पे मीडियम ग्राफिक्स देखने में मिलते हैं। यहाँ पे आपको HD का ऑप्शन अनलॉक नहीं है। तो यहाँ पे हम एक पबजी टेस्ट कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हम फर्स्ट एक वॉर मैच खेल लेते हैं, उसमें देखें क्या इसमें लैग होता है। फर्स्ट बता देता हूँ, इसमें आपको मीडियाटेक G35 का चिप सेट मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल गेम करा देगा। अगर आप ये फ़ोन फ्री फायर के लेना चाहते हो तो आप जा सकते हो फ्री फायर की तरफ। फ्री फायर को अच्छे से हैंडल करेगा, क्योंकि वो एक थोड़ा लैग फ्री गेम प्ले करा देता है। तो यहाँ पे आप मेरा गेम प्ले देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसमें आपको जो ग्राफिक सेटिंग्स देखने को मिलेगी, फर्स्ट मैं आपको सेटिंग खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको स्मूथ पे मीडियम और बैलेंस पे आपको मीडियम देखने को मिलेगी, तो बहुत एक नॉर्मल सेटिंग्स है। यहाँ पे हम फर्स्ट एक पबजी टेस्ट करते हैं, वो एक वॉर मैच खेलेंगे, देखेंगे उसमें लैग आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम अपना वॉर मैच लगा लेते हैं।